हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेट सर्किल। तो अभी हम लोग विश्व के भूगोल की सीरीज में आज सूर्य तप तथा ऊष्मा बजट को पढ़ेंगे। ओके, तो आई होप आपने ये जो पिछले लेक्चर्स हैं उनको देखा हुआ है, जिसमें मैंने आपको पिछले वीडियो में वायुमंडल के बारे में बताया था। वायुमंडल हमारा किन किन गैसों से मिलकर बनता है और वायुमंडल की जो संरचना है वो क्या है और उसमें कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं और उन सभी परतों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी। आई होप आपने वो वीडियो देखा है। नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, तो और एक बात कहूंगा कि ऐसे स्टूडेंट्स जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और यूपीपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी दूसरे स्टेट की जो पीसीएस एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, और भी तमाम सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जहां पर जनरल स्टडीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट, यूजफुल वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलते हैं। और ऐसे सभी लोग जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है वो एक बार बेल आइकन को रिफ्रेश कर लें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के पास हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि 40,000 लोगों का ग्रुप है और व्यूज पूरे दिन में मुश्किल से 40-50 आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वीडियोस के नोटिफिकेशन सभी लोगों के पास नहीं पहुंच रहे हैं। तो प्लीज आप लोग जो बेल आइकन है सब्सक्राइब के बटन के बगल में जो बेल आइकन होता है उसे एक बार रिफ्रेश कर लें। ओके, मतलब रिफ्रेश करने का मतलब एक बार दबाइए तो वो बेल आइकन हट जाएगा, और उसको दोबारा दबाइए तो फिर से वो आपका बेल आइकन ऑन हो जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये जो सूर्य तप है, इंसोलेशन है, ये होता क्या है। एक्चुअली जो सूर्य का जो विकिरण है वो लगातार पृथ्वी पर आता रहता है। ठीक है, ये हमारा सन है, तो यहाँ से जो सौर ऊर्जा है, जो सौर विकिरण है, वो पृथ्वी पर लगातार आता रहता है। तो होता क्या है कि जो पृथ्वी की सतह पर जो सौर विकिरण आता है, ठीक, पृथ्वी की सतह तक जो सौर विकिरण आता है उसे हम सूर्य तप या इंसोलेशन कहते हैं। ओके, चूंकि सूर्य की जो किरणें होती हैं वो जब पृथ्वी की तरफ आती हैं तो उसका बहुत सारा हिस्सा पृथ्वी तक आ ही नहीं पाता। ओके, वो उसके पहले ही अंतरिक्ष में चला जाता है, अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है। बहुत सारे तरीके होते हैं जिसकी वजह से हमें पूरा जो सूर्य तप है वो नहीं मिलता, और उसी की वजह से पृथ्वी का जो तापमान है वो मेंटेन है। अगर जो भी सौर विकिरण आता है और अगर ये वायुमंडल हमारा उपस्थित नहीं है तो धरती पे इतना अधिक टेम्परेचर होगा कि हम इस पर रह ही नहीं सकते, जीवन ही नहीं होगा अगर पूरा का पूरा सौर विकिरण जो आ रहा है पूरा का पूरा मिलने लग जाए। ठीक है, तो हम इसको समझेंगे कितना कि सूर्य की तरफ से आता है और उसमें से कितना सौर विकिरण पृथ्वी को मिलता है। ठीक है, तो ये जो सौर विकिरण है आप ये देख लीजिए, पृथ्वी की सतह पर आने वाले सौर विकिरण को सूर्य तप कहते हैं और यह लघु तरंगों के रूप में आता है। ठीक है, और क्या दर क्या होती है, जो सौर विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल से टकराता है उसकी बाहरी जो परत है ये वायुमंडल है, तो यहां पर जो आता है जो सौर विकिरण है वो किस दर से आता है, तो वो 2 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर होती है। ये दर याद रखिए, ये पूछा जा सकता है आपसे परीक्षा में, जो सौर विकिरण को प्राप्त करने की दर क्या है पृथ्वी की, 2 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। ओके, तो ये वायुमंडल की ऊपरी सतह पर ये दर होती है। इसके बाद जो सौर विकिरण है वो जो टोटल आता है उसका 51% ही धरती पर पहुंचता है, 49% या तो परावर्तित हो जाता है और उसमें से कुछ हिस्सा वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो सिर्फ 51% ही धरती तक पहुंचता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए। ये जो पृथ्वी का तापमान है वो तब इतना है जब ये 51% पहुंचता है, मतलब लगभग लगभग आधा पहुंचता है। तो अगर जो पूरा आ जाए तो कहां ही जीवन संभव हो पाएगा पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी। अच्छा, ये जो कारक हैं, ऐसे कारक जो सूर्य तप को प्रभावित करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये चारों कारक याद रखिए, आपसे ऐसे ऑप्शन देके पूछे जा सकते हैं कि इन चार में से कौन सा ऐसा कारक है जो प्रभावित करता है। तो हो सकता है ये चारों ऑप्शन हो,
या उसमें से दो ऑप्शन बना के दे दे, एक नई हो, है ना, वो सेलेक्ट करना हो, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इनको समझना जरूरी होता है। तो सूर्य की जो किरणें हैं उनका आपतन कोण, ठीक है, जितना ज्यादा तिरछी जो किरणें होंगी, है ना, तो उतना ही जो सौर विकिरण है वो कम हो जाएगा। तो आपतन कोण ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है, और ये कैसे आपतन कोण कैसे बदलता रहता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी तिरछी है, तो जैसे वो चक्कर लगाती जाती है, तो उसके जो ये आपतन कोण है, ये जो किरण जो रेज आती हैं वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। दिन की लंबाई अथवा धूप की अवधि, जब दिन लंबा होगा, जैसे जो हमारे यहाँ जब गर्मियां पड़ती हैं, या आप ये कह सकते हैं हम लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं, तो जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है, या उत्तरायण होता है, या विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच में होता है, तो हमारे साइड में दिन की लंबाई अधिक होती है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई अधिक होती है, तो उस समय उत्तरी गोलार्ध में जो सूर्य का विकिरण है उसको भी अधिक अवशोषित किया जाता है, अधिक ऊष्मा मिलती है ना। इसके बाद वायुमंडल की पारगम्यता, है ना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कि जितना अधिक जो वायुमंडल जितना अधिक होगा, तो उसमें से जो गुजरने वाली सौर विकिरण की किरणें होंगी वो कम हो जाएंगी, क्योंकि वायुमंडल उसमें से उन्हें एब्जॉर्ब कर लेगा। तो वायुमंडल की पारगम्यता भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर वायुमंडल की पारगम्यता कम है तो अधिक सौर विकिरण प्रति पहुंचेगा। विषुवत रेखा से दूरी, विषुवत रेखा से दूरी जो आपकी अपसौर और उपसौर की कंडीशन होती है ना, तो वो भी बहुत अधिक आपका बहुत बड़ा कारण होती है कि भाई जब पृथ्वी नजदीक होगी तो सौर विकिरण अधिक होगा, और जब पृथ्वी दूर होगी तो सौर विकिरण कम रिसीव करेगी अर्थ, है ना, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो ये जो है आपके चार पांच मुख्य कारण हैं जो प्रभावित करते हैं सूर्य तप को पृथ्वी पर आने के लिए। ओके, तो आपने समझ लिया इंसुलेशन क्या है, ठीक है। अब देखिए जो हीट बजट क्या है, मतलब बजट भाई, अब किसी चीज का हिसाब करना, बजट का मतलब क्या है, किसी चीज का हिसाब करना, जैसे आप आपकी कोई इनकम है, आमदनी है, इसके बाद आपका वो कुछ खर्चा होता है ना, तो आमदनी और खर्चे के बीच जो हिसाब किताब है वही होता है बजट, है ना। तो ऐसे ही जो हमारी पृथ्वी है उस पर कितनी ऊष्मा आ रही है, ठीक है, इनकमिंग, और कितनी ऊष्मा जा रही है, इसका जो हिसाब किताब है उसे बोलते हैं ऊष्मा बजट या हीट बजट। तो ठीक है, तो अब समझते हैं कि हीट बजट के हिसाब से कैसे क्या होता है ना। अब देखो, सूर्य से मान लो 100 यूनिट सौर विकिरण पृथ्वी पर उत्सर्जित होता है, ठीक है, सूर्य से 100 यूनिट पृथ्वी पर उत्सर्जित होता है, ओके। तो इसमें से क्या होता है, जो 35% 35 यूनिट है, या 35% बोले, 35 यूनिट है, ये डायरेक्ट बादलों से और धूल कणों से और हिमनदों से परावर्तित कर दी जाती है वापस अंतरिक्ष में, ठीक है ना, क्योंकि जो सफेद रंग होता है उसका उत्सर्जन बहुत अधिक होता है। तो आप देखो, बादल, धूल कण, वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण होते हैं, जैसे मान लो ऐसे ऊर्जा आई तो धूल कण से टकराई और वापस चली गई, है ना, तो धूल कणों से 6 यूनिट वापस कर दी जाती है, जो बादल होते हैं वो 27 यूनिट को परावर्तित कर देते हैं, और जो हिमनद है ग्लेशियर्स है, वो 2 यूनिट को परावर्तित कर देते हैं। तो इस तरीके से आपके 100 में से 35 यूनिट तो सीधे परावर्तित हो गए, तो बचे कितनी, आपकी बची 65 यूनिट, ठीक, 65 यूनिट ये जो है अंदर आती है। अब उसमें से 65 में से 14 यूनिट वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, ठीक, तो 65 में से 14 और चली गई वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर ली गई, तो बची कितनी, 51 यूनिट। मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि 51% जो सौर विकिरण होता है वो ही पृथ्वी पर आता है, मतलब 51 यूनिट है जो पृथ्वी की सतह को टच करता है, ठीक, 51 यूनिट, सॉरी 51 यूनिट, ओके। तो इसे बहुत अच्छे से याद रखिए कि कितने प्रतिशत या कितनी यूनिट सौर विकिरण पृथ्वी की सतह पर आता है, ठीक है। तो इन सबको आप ठीक से याद रखना कि वायुमंडल के द्वारा कितना अवशोषित किया जाता है, 14 यूनिट, जो भी इंसुलेशन आता है उसमें से 35 यूनिट को परावर्तित कर दिया जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, 35 यूनिट को परावर्तित कर दिया जाता है, 14 यूनिट को वायुमंडल अवशोषित करता है, और 51 यूनिट जो सौर विकिरण है वो पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है, ठीक है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इनको याद रखिए। अब क्या होता है कि भैया जब पृथ्वी है हमारी, इसको अपना टेम्परेचर रखना है कांस्टेंट, ठीक, स्थिर तापमान रखना है। ऐसा नहीं है कि तापमान बढ़ जाए, तो जितनी गर्मी आ रही है उतनी गर्मी निकलनी चाहिए, ठीक। तभी तो 51 यूनिट अगर आ रही है तो पृथ्वी से 51 यूनिट निकल जानी चाहिए। अगर एक भी यूनिट रुक जाती है तो पृथ्वी का टेम्परेचर जो है बढ़ जाएगा, है ना। तो इसलिए पृथ्वी भी 51 यूनिट को ही रिलीज कर देती है, मतलब जितनी ऊष्मा आती है उतना ही पृथ्वी निकाल देती है। तो जो निकालती है उसे बोलते हैं पार्थिव विकिरण, ठीक है। तो पृथ्वी पर पड़ने वाली 51 यूनिट पार्थिव विकिरण के रूप में पृथ्वी के द्वारा परावर्तित कर दी जाती है। तो इनमें भी जो 51 यूनिट निकलती है वो कितनी किससे कैसे निकलती है वो भी समझ लीजिए, ठीक है। अब 51 यूनिट में से 17 यूनिट तो सीधी की सीधी अंतरिक्ष में चली जाती है, ठीक है। 17 यूनिट सीधे सीधे अंतरिक्ष में चली जाती है, जबकि ये जो 34 यूनिट है ये वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, ठीक है। तो वायुमंडल कितनी अवशोषित कर रहा है, 14 जब आ रही थी तब अवशोषित कर लिया, और 34 पृथ्वी का जो पार्थिव विकिरण है उससे अवशोषित कर लिया। तो टोटल 48 यूनिट हमारा वायुमंडल अवशोषित कर लेता है, और इस 48 यूनिट को धीरे धीरे अंतरिक्ष में या शून्य में उत्सर्जित कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से पृथ्वी का तापमान स्थिर रहता है, ठीक है। ये जो ऐसा आप इससे मत कंफ्यूज होना कि वायुमंडल ने 48 यूनिट को अवशोषित कर लिया तो ये पृथ्वी में रह गई, ट्रैप नहीं होती है, ये वायुमंडल से धीरे धीरे शून्य में निकल जाती है। इस तरीके से हमारी पृथ्वी का तापमान स्थिर रहता है। इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं, 100 यूनिट आई, इसमें से 35 यूनिट परावर्तित हो गई, ठीक है। 14 यूनिट जो थी वो वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर ली गई, बाकी 51 यूनिट पृथ्वी पर पड़ती है, ओके। ये तो हो गया इंसोलेशन। इसके बाद जो पृथ्वी का जो विकिरण है, उत्सर्जन है, उसको समझ लीजिए भाई। यहां से सीधा डायरेक्ट 17 यूनिट तो निकाल दी पृथ्वी ने सीधे अंतरिक्ष में, ठीक है। बाकी 34 यूनिट वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर ली गई, जो धीरे धीरे आपकी वायु इसमें आपके शून्य में उत्सर्जित हो जाएगी। तो आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए कि वायुमंडल कितना अवशोषित करता है, तो टोटल 48 यूनिट अवशोषित करता है। पृथ्वी की सतह पर कितने सौर विकिरण आता है, तो 51 यूनिट आता है या 51% आता है ना। सौर विकिरण में से कितना प्रतिशत या कितना यूनिट पृथ्वी पर पड़ने के पहले ही परावर्तित हो जाता है, तो आपका आंसर होगा 35 यूनिट या 35%, है ना। पृथ्वी के सौर विकिरण में से कितना विकिरण जो होता है पार्थिव विकिरण वो सीधा अंतरिक्ष में चला जाता है, आपका आंसर होगा 17 यूनिट, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, जिन सभी का आंसर आप अच्छे से कर लेंगे अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है और इसे याद रखा है तो, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप इसे कहीं शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में, अपने जानने वालों में, तो प्लीज शेयर करिए, ओके। और जो बेल आइकन है उसे जरूर एक बार रिफ्रेश करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद भी वीडियोस पे जितने व्यूज आने चाहिए वो नहीं आ रहे हैं, ओके। तो प्लीज आप लोगों की इसमें हेल्प चाहिए, तो थोड़ी हेल्प आप लोग करिएगा, ओके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर।